अमीगोज, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ आजकल पूरी क्रिसमस की वाइब है। और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स देखी थी, बहुत कुछ डेकोरेशन था। और अभी यहाँ पर आज मैं जा रही हूँ क्रिसमस का सर्कस देखने के लिए। तो ये मेरे लिए नया है और आपके लिए भी नया होगा। तो बचपन में देखा करते थे हम जंबो सर्कस, रैम्बो सर्कस, अगर आपको याद हो तो बहुत फेमस हुआ करता था। और आज हम जाने क्रिसमस सर्कस देखने के लिए है, तो देखते हैं चलकर कैसा होता है पोर्चुगल में सर्कस। तो मैं पहुंची पहली बार यूरोपियन सर्कस, चलिए चलकर देखते हैं कैसा होता है। और ये भाई साहब यहाँ बॉल को तो ऐसे नचा रहे हैं जैसे जिंदगी हमें नचाती है। अरे ये क्या बिजली गिर रही है, लगता है कुछ जादू दिखाने वाले हैं। और बिजली से निकली है मोहतरमा, और ये तो नीचे उतरते कारनामों पे उतर आई है। ये जनाब तो दांतों से बैलेंस कर रहे हैं, पक्का इनके टूथपेस्ट में नमक है। और ये देखिए विदेशी खतरों के खिलाड़ी। और ये जादूगर आंखों की हेरा फेरी करके कुछ दिखाने वाले हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। इनकी उछल को देख के तो ऑडियंस खुद डर जाए, और इनको डर ही नहीं लगता। सरकार ने हाईवेज तो फालतू में बनाए, इनको तो बाइक यहाँ चलानी है। क्या बहुत ही मजा आया मुझे तो यहाँ पर देख करके सर्कस, बिल्कुल बचपन की याद आ गई। बचपन में हम लोग देखा करते थे, और पहले तो एनिमल्स भी हुआ करते थे सर्कस में,
बट अच्छा यहाँ पर नहीं है और वहाँ पर भी शायद इंडिया में भी बैन हो गया था, और बहुत मज़ा आया और एंटरटेनिंग था। अगर आपको भी एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।